के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मालदीव में पिछले साल चुनाव के बाद मोहम्मद मोइजू नए प्रेसिडेंट बने थे, तब सभी को यह अंदाजा हो गया था कि वो अपने पड़ोसी मुल्क भारत की बजाय चीन को तरजीह देंगे, क्योंकि उन्हें चीन का समर्थक माना जाता है। लेकिन सरकार बनाने के बाद मोइजू ने एक के बाद एक ऐसे फैसले लेना शुरू किया जिनसे पता चलता है कि वो भारत को लेकर जरूरत से ज्यादा सख्त हो रहे हैं। लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोइजू सरकार भारत से इस कदर नफरत कर रही है कि उस पर आरोप है कि उसने बीमारी से तड़पते एक बच्चे का रेस्क्यू करने के लिए भारतीय हेलीकॉप्टर्स या भारतीय विमान को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी और उस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल 1000 से ज्यादा द्वीप समूह वाले देश मालदीव का भूगोल कुछ ऐसा है कि इन द्वीपों पर इमरजेंसी के वक्त लोगों के रेस्क्यू की जरूरत पड़ती है। भारत ने 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर्स मालदीव को दिए थे और अभी भी वहां उसके पास है, वो इस रेस्क्यू के काम आते हैं। इन हेलीकॉप्टर्स को ऑपरेट करने के लिए ही भारत के चंद फौजी मालदीव में तैनात हैं, जिनकी वापसी को बड़ा मुद्दा बनाकर मोइजू ने पहले चुनाव जीता और अब उनकी वापसी की डेडलाइन यानी 15 मार्च की तारीख तक तय कर दी है। अपने इस चुनावी नारे को हकीकत में बदलने के लिए मोइजू इतने उतावले हैं कि वो उनके खुद के यानी मालदीव के नागरिकों की जान तक की परवाह नहीं कर रही है उनकी सरकार। अब आपको बताते हैं वो घटना जिसमें मोइजू की जिद के चलते एक बच्चे की जान चली गई। मालदीव की जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं मालदीव से, उनके मुताबिक गाफ अलिफ विलिंगली टापू के एक 13 या 14 साल के बच्चे को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी थी। उसे स्ट्रोक आया जिसके इलाज के लिए उस बच्चे को तुरंत मालदीव की राजधानी माले के हॉस्पिटल में पहुंचाने की ज़रूरत थी। इस बच्चे के पिता ने 17 जनवरी से ही अपने बच्चे को एयरलिफ्ट कराने के लिए अपील करना शुरू कर दिया, फ़ोन करना शुरू कर दिया अथॉरिटीज़ को। लेकिन मालदीव की अथॉरिटीज़ के पास भारत से मिले हुए हेलीकॉप्टर्स या ड्रोनियर एयरक्राफ्ट विमान जो है उसका इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं मिली, लिहाजा उस बच्चे को एयर एम्बुलेंस मिलने में काफ़ी वक्त लग गया। उसे 16 घंटे बाद माले लाया गया जहां उसे बचाया नहीं जा सका। ये पूरी घटना इस बात की तस्दीक करती है कि मोइजू सरकार भारत को मालदीव से आउट करने के लिए किस तरह की कोशिश कर रही है और भले ही इस कोशिश में उसके खुद के नागरिकों की जान ही क्यों ना चली जाए। मोइजू ने भारत से मिलने वाली सहायता के विकल्प के तौर पर टर्की को चुना है, चीन को भी चुना है और टर्की को चुना है, यानी इन दो देशों को मोइजू ने चुना है भारत के खिलाफ अपनी सहायता के लिए, और उसके साथ यानी टर्की के साथ पिछले दिनों एक रक्षा की डील भी की है। इस डील के मुताबिक मालदीव टर्की से 3,70,00,000 डॉलर की कीमत के बायकर ड्रोन्स खरीदेगा। लगभग 2 साल से जारी यूक्रेन युद्ध में टर्की के ड्रोन्स ने अच्छी खासी पहचान बना ली है। टर्की के ड्रोन्स की काफ़ी मशहूर हो गए हैं टर्की के ड्रोन्स, और अब मालदीव इन्हीं ड्रोन्स को खरीद रहा है। मालदीव के जो इमरजेंसी फंड है, इसका जो कंटिजेंसी फंड है, उससे इस डील की पहली किस्त का पैसा भी जारी कर दिया गया है। बाकी किस्तें एक साल में दे दी जाएंगी। मालदीव का कहना है कि वो इन ड्रोन्स को अपनी समुद्री सीमा की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल करेगा। भारत के लिए मालदीव का यह फैसला एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक टर्की मालदीव की समुद्री सीमा की निगरानी का जिम्मा भारत निभाता रहा था। भारत ने मालदीव को इसी समुद्री निगरानी के लिए और रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए ही 2 ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स और 1 ड्रोनियर एयरक्राफ्ट तोहफे में दिए थे। भारत और मालदीव की ये डील 2016 में हुई थी। ये लीज 2018 में ख़त्म हुई, यानी 2 साल के लिए डील थी, और तब के मालदीव के राष्ट्रपति जिन्हें मोहम्मद मोइजू का ही मेंटोर माना जाता है अब्दुल्ला यामीन, वो भी भारत विरोधी रुख के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भारत से हेलीकॉप्टर्स को वापस लेने के लिए कहा था, लेकिन साल 2018 के चुनाव में मोहम्मद यामीन की हार हो गई और भारत के समर्थक सोलेह सरकार मालदीव में सत्ता में आ गई और ये डील आगे बढ़ गई। भारत के जो सैनिक मालदीव में मौजूद हैं वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के लिए तैनात हैं। इस तरह के रेस्क्यू की जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर ये हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट किए जाते हैं और इन्हीं चीज़ों के लिए भारत के सैनिक वहाँ तैनात हैं। इसके अलावा मालदीव ने भारत के साथ समुद्री समझौता भी खत्म कर दिया है, जिसके तहत भारत मालदीव के तटों पर जो समुद्री तट हैं उन पर सर्वे करता था। मालदीव से भारत को आउट करने के लिए मोइजू की प्लानिंग बस इतनी नहीं है कि वो भारत के साथ समझौते रद्द करे या भारत के हेलीकॉप्टर्स को वापस भेजे। दरअसल एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते मालदीव कई चीज़ों पर भारत के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसमें अनाज की सप्लाई, मेडिकल की सहायता, ऐसे मसले शामिल हैं और अस्पतालों में इलाज की सुविधा भी।
अब मालदीव ने तय किया है कि वो टर्की से ड्रोन्स के अलावा अनाज भी खरीदेगा, यानी खाने की सप्लाई भी अब भारत के बजाय टर्की से होगी मालदीव में। और टर्की के साथ मालदीव ने एक साल के लिए चावल, चीनी, आटा और बाकी जो फूड आइटम्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनकी आपूर्ति के लिए समझौता कर लिया है। मोइजू के मुताबिक अब टर्की से आटे की पहली खेप अगले ही महीने यानी फरवरी में आ भी जाएगी। हेल्थ के मामले में अगर हम देखें तो मालदीव गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस की स्कीम है उसके सिविलियंस के लिए, उसके नागरिकों के लिए, उस स्कीम के तहत मालदीव के नागरिकों का इलाज भारत में भी होता आया है। लेकिन अब मोइजू ने इस योजना में यूएई और थाईलैंड जैसे देशों के हॉस्पिटल्स को भी शामिल कर लिया है। यानी अब मालदीव के जो नागरिक इलाज के लिए केवल भारत आते थे वो अब इन दो देशों में भी जाएंगे। दवाएं खरीदने के लिए भी अब मालदीव ने अमेरिका और यूरोप के साथ करार कर लिया है। इससे पहले मालदीव में ज़्यादातर दवाओं की सप्लाई भारत ही करता था। कोरोना महामारी के वक्त हमने देखा था कि किस तरह से मालदीव में दवाएं, इक्विपमेंट्स और वैक्सीन की सप्लाई भारत ने करते हुए एक अच्छे पड़ोसी का धर्म निभाया था। लेकिन अब मोइजू सरकार भारत विरोधी रुख अपना रही है और भारत सरकार के विरोध में और टर्की और चीन की मोहब्बत में मोहम्मद मोइजू की सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे भारत के सभी एहसान नज़र नहीं आ रहे हैं, साथ ही उसे अपने नागरिकों की परेशानी तक नहीं दिख रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर हमें ज़रूर दें। देश और दुनिया से जुड़ी बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल।